दिनों से रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध करने का और ट्रैक में पत्थर, सरिया या लकड़ी के टुकड़ा इस प्रकार का रखने का कुछ घटनाएं घटित हुई है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ट्रैक सुरक्षा, पटरी सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा में यूपी पुलिस, जीआरपी और शासन गंभीर है। प्रत्येक घटनाओं को सीरियसली लिया गया है और सभी घटनाओं को विश्लेषण किया है, चाहे वो बच्चों द्वारा कारित घटना हो या यूट्यूबर रील बनाने वाले जो लोग हैं उन लोग द्वारा कारित घटना हो या आपराधिक घटना हो। दो घटनाएं छोड़ के जो कानपुर के आसपास एलपीजी सिलेंडर मिलने का एक घटना है और ट्रैक में एक काली 5 किलो का सिलेंडर मिलने की घटना है, ये दो घटना को छोड़ के बाकी सभी घटनाओं को सफलतापूर्वक हम लोगों ने अनावरण किया है। इन दो घटनाओं में भी जल्दी अनावरण करने के लिए हमारे टीम्स काम कर रहे हैं। सर, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके के इनपुट्स की क्या किसी तरीके की साजिश है ऐसी, जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं डिटेल करने की कोशिश, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है प्राथमिकता है, तो ऐसे इंसिडेंट्स को लेकर क्या है कोई ऐसी? मैं इतने ही कहना चाहता हूं, प्रत्येक घटना को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और सभी घटनाओं में मुकदमा कायम है और जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त है उनके विरुद्ध सख्ती से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रकार के ट्रैक में अवरुद्ध करने का कोई कोशिश करता है या कोई सामान रखने का कोशिश करता है, कृपया करके निकटतम थाना, चौकी, जीआरपी की थाना या आरपीएफ को पोस्ट या हम लोगों को सूचना दें ताकि हम एक अच्छे सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों को दे सकें। महाकुंभ का महाआयोजन होने जा रहा है और करोड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले, तो ये क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, क्या आपके पास कोऑर्डिनेट है उसको लेकर? जीआरपी द्वारा महाकुंभ 2025 को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सारे व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। रेलवे से हमारा अच्छे तालमेल है, हम ये कोशिश कर रहे हैं एक दिशा में एक प्रदेश को जाने वाली ट्रेन एक पर्टिकुलर स्टेशन से प्रारंभ हो और प्लेटफॉर्म में कोई अदला बदली आखिरी मिनट में ना हो। विशेष ट्रेनों की भी जानकारी रेलवे ने हम लोगों से साझा किया है और जनता को हम सही समय पर सारे सूचना उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी के भी कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद।